हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? वो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पीछे कुछ डिनर भी हो रहा है, और देख सकते हैं आज का मेरा लुक, मेकअप लुक, और ये इसका सारा लुक का वीडियो जो है आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। मैं शेयर करूँगी आप लोगों से मैंने किससे मेकअप करवाया है। और ये मेरी फेसेस देख रही हैं आप, कितनी क्यूट लग रही हैं। और इसको मैंने तैयार किया है, ज़्यादा मैंने इसका मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, क्योंकि बच्चे जितने सिंपल रहते हैं उतने ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए, और अभी मैं यहाँ की आप लोगों को डेकोरेशन दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये देखिए, और आज का मेरा ये आप जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मैंने इस टाइप का जो है ना हेयर स्टाइल किया है। और ये नेकलेस आपने देखा होगा, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया था, परचेज किया था। और ये मेरी साड़ी तो आप लोगों को पता ही, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था मुझे करवा चौथ में, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया अभी था। सो आज का मेरा यही लुक है, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ किट्टू का नहीं कृपा का। और वहाँ पे जो है ना होल्डर वगैरह सब कुछ लगा है, जैसे कि मैंने बताया था रेस्टोरेंट में डेकोरेशन जिस टाइप की होगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन है। हम लोगों को जिस टाइप का चाहिए था ना, हम लोगों ने उसी टाइप का करवाया है, जैसा उनसे कहा था, तो उन्होंने उसी टाइप का जो है डेकोरेशन करवा के दिया है। और अभी ना बस मेरी सिस्टर जो है आने वाली है, सो जैसे वो आ जाएंगी तो मैं वो भी आप लोगों को जो है ना दिखा दूँगी। और यहाँ पे आज तो ना मतलब बाहर पहले मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था सुबह का मौसम, पर अभी समय इतनी अभी भी अच्छा है, पर जब हम लोग आए थे तब बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हाँ, गर्मी थी, पर अब ना इधर धीरे धीरे से आज हो रहा है कि शायद बारिश हो जाए आज, शायद उम्मीद ऐसी लग रही है। जुलाई चली, बारिश भी नहीं है मेरे बाबू का, बारिश जुलाई में पिछले साल, तो आज के दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा आज के दिन हुई थी, पर आज इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जितनी उस बार ठंडक थी, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर हाँ, रोज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज का मौसम काफ़ी बेहतर है। रोज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, उमस बहुत ज़्यादा है बाहर, पर यहाँ पे हम लोग अंदर हैं तो यहाँ हम लोगों को इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है। मेरे लिए जूगा देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी मैं आप लोगों को डेकोरेशन ही देख रहे हैं, आप ये वाली डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, बहुत सारा कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो अगर आप लोगों को मेरा जो है वीडियो अगर पसंद आए। और तो ये देखिए रेस्टोरेंट की डेकोरेशन जो कि आप लोगों को दिखा दे रही हूँ मैं, ये देखिए। लाइट जान के आ गई, तो ये है क्यूट सी डेकोरेशन, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और ये बैनर, बहुत अच्छा है, आप भी कुछ कहेंगी? कहो, हाँ बताओ। और ये जो है बर्थडे, ये देखिए मेरी चूड़ी का सेट जो कि बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग का है। इसका बैंगल जो है ना बड़ी चेंज था, दूसरा इसका बैंगल मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने ये वाले बैंगल इसमें ऐड किया है, देख रहे हैं आप। और बैंगल की वजह से ना बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग बनी है चूड़ी के सेट। अभी सेलिब्रेशन जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ है, बस स्टार्ट होने वाला है। और अभी कितना 2:30 बज रहा है, अभी थोड़े हुए हम लोगों को आए हुए, और सब लोगों को 2:30 से 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग जो है वो लोग आएंगे, क्योंकि एक तो बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और हम लोगों ने दोपहर का डेकोर जो है डिसाइड किया था, क्योंकि मेरे जीजू का जैसे कि मैंने बताया था एलर्जी के उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कल भी उनके पेपर हैं, तो ये हम लोगों ने दोपहर का डिसाइड किया कि दोपहर को इन्जॉय करेंगे। सो ये था पूरा डेकोरेशन मेरा लुक, सो आई होप आप लोगों को जो है पसंद आएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरा जो है मेरा ये गोल्ड का मैंने मंगलसूत्र पहना है इस टाइप का, ये देखिए, और ये मेरी सब देख ही रहे हैं।
मैंने बेल्ट लगाया हुआ है साड़ी में, मुझे बिल्कुल ना समझ में नहीं आता मैं बेल्ट किस तरह से लगाऊं, बहुत तो मुश्किल हो रही है साड़ी में बेल्ट लगाना और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा देर में ही आई हूँ क्योंकि काफ़ी देर बैठना पड़ता है यहाँ पर और यहाँ की चेयर ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी अलग है मेरे हिसाब से, क्या हुआ, तो इसी वजह से मेरे बच्चों में इन लोगों की इतनी मस्ती शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा इन लोगों की शोर हो रहा है और यहाँ भी थोड़ी देर लंच होगा, उसके बाद भी थोड़ी देर लंच जो है नहीं होगा, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी सवा तीन होगा ये देखिए सवा तीन हो गए, हाँ सवा तीन यानी 3:15 फिर से लाइट चली गई है, लाइट जाती है फिर से आ जाती है, उसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद और जैसे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है फिर हम लोग बात करते हैं, सो और सारी चीज़ें जो है जो भी गेस्ट आएंगे, बहुत से गेस्ट का आना मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत से लोगों ने ना वैक्सीन लगवा लिया है तो उनको फीवर भी आ रहा है, इसी वजह से बहुत से लोगों का कैंसिल हो चुका है आना, और हम लोगों को वैक्सीन लगना था पर हम लोगों ने लगवाया नहीं बिकॉज मैं सोचा कृपा का हम लोगों ने सोचा बर्थडे हो जाए उसके बाद, नहीं तो फीवर आना फिर आना पॉसिबल नहीं होता, इसी वजह से तो थोड़ी देर बाद बात करती हैं और जैसे सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा फिर मैं लोगों से बात करती हूँ।